नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं जो मैच कवर कर रहा हूँ वो है केसीए पिंक T20 चैलेंजर्स का 7वां मुकाबला, जो यहाँ पर खेलने जाने वाला है टीम एम्बर वर्सेस टीम एम्बरलेट के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों टीम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ड्रीम इलेवन पे कौन सी टॉप पिक्स हैं वो बताऊंगा, साथ में दोनों टीम्स ने लास्ट मैच में कैसा परफॉर्म किया था उसका फुल स्कोर कार्ड एनालिसिस हम वीडियो के अंदर करेंगे। तो अगर आप लोग इस मैच में विन करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, और इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ अगर आपने वीडियो को पूरा वॉच कर लिया तो आप लोग ये मैच ज़रूर जीतेंगे। और जो मेरी फाइनल अपडेट होती है लाइनअप के बाद, टॉस के बाद, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ बिल्कुल फ्री में। 3,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी वहाँ पर जुड़ चुके हैं और फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं, तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से तो उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट में आपको दे रखा है। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, और जब से फर्स्ट नंबर पे जो कमेंट हो, आप जैसे उस कमेंट पे क्लिक करेंगे सीधा हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको 3,000 से ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में मैंने चैनल का नेम भी दे रखा है, जिसको आप लोग सर्च करके भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आप लोग ज़रूर वीडियो को कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस क्रिएट करने के लिए। चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में जो घंटा है उसको जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री भी, तो ज़रूर ये काम भी कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं वेदर रिपोर्ट की तो यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत चांसेस हैं रेन के, हालांकि आपको ज़्यादा तो रेन के चांसेस देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप इस मैच में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिच कंडीशन की मैं बात करूं, यहाँ पर जो भी मैचेस अभी तक खेले गए वहाँ पर चेस करने वाली टीम ही जीती है, तो आज भी जो भी टीम टॉस जीतेगी वो चेस करना पसंद करेगी, और फर्स्ट इनिंग में बॉलर्स काफ़ी इन्जॉय करेंगे अपनी बॉलिंग को, क्योंकि इस विकेट पर बॉलर्स को अच्छी खासी मदद मिल रही है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर 102 है, जो काफ़ी लो स्कोर है T20 में। जो भी टीम चेस की वो 3 बार जीती है, 2 बार हारी है 6 मुकाबलों में। उसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ प्लेइंग इलेवन की, तो ये टीम मेंबर की मैं जो आपको प्लेइंग इलेवन दे रहा हूँ वो उनके लास्ट मैच के बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। गिरीश दिया, जेएस दीप्ति, जॉर्ज जिंसी, सुनील अंशु, अलीना सुंदरेन, के आर स्नेहा, सनल अथीरा, सुरथी टीपी, अनुश्री, अनिल कुमार, विजय जोश्विता, सर्रया रॉय। अगर मैं बात करूँ इनके लास्ट मुकाबले की, तो लास्ट मुकाबले में टीम साफिर ने इनको 8 विकेटों से हरा दिया था। इस मुकाबले में इन्होंने 93 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। अपनी टीम के लिए दिया गिरीश दीप्ति इनिंग की शुरुआत करने आए, दीरा गिरीश जो कि 4 रन बना के आउट हो गई, दीप्ति ने 23 रन की साझेदारी की, जिंसी जॉर्ज भी 10 रन बना के आउट हो गई, अंशु सुनील 2 रन, अलीना सुंदरन 30, स्नेहा के आर 5, अथीरा सन्नल 1, सुरती टीपी 7 और अनुश्री अनिल कुमार 4। तो यहाँ पर देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट उनकी ओर से मेन बल्लेबाज हो सकते हैं वो यहाँ पे दिया गिरीश हो सकती हैं, दीप्ति हो सकती हैं, जिंसी जॉर्ज, अंशु और सुनील आप ट्राई करना चाह कर सकते हैं। इनके मुकाबले यहाँ पर अलीना सुंदरेन की काफ़ी अच्छी पिक रहेगी। तो ये जो 4 बैट्समैन मैंने आपको बताया है वो इनकी ओर से इनके इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं। बॉलिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जोशीता विजय ने 3 ओवर कराए 1 विकेट निकाला, जिंसी जॉर्ज ने 4 ओवर में 10 रन दिए, 1 मेडन ओवर कराया विकेट हालांकि इनको नहीं मिले, सर राव ने सिर्फ 1 ओवर कराया, दिया गिरीश जो कि ओपन करने आए थे इन्होंने 2 ओवर की बॉलिंग की 20 रन खाए, अलीना ने भी यहाँ पे 3 ओवर में 14 रन दिए, और यहाँ पे अनिल कुमार ने 3 ओवर में 15 रन, और सुरती टीपी ने यहाँ पे 7 रन दिए। तो इनकी ओर से खाली इनको 1 विकेट इनके जो मेन बॉलर्स हैं जोशीता उन्हीं को मिला, उसके अलावा और किसी को मतलब विकेट नहीं मिला। मैं बात करता हूँ टीम एमरलेट की, तो इनकी ओर से आपको यहाँ पे मलावी का शाबू, वैष्णा पी, मीनू मनी, नेथ्या लूर्द, दिव्या गणेश, मनसोवी पोटी, जिप्शा जोसेफ, ऐश्वर्य आर बेबी, सेबास्टिन, ऐश्वर्य एम, अनीना मैथ्यू। तो इनका अगर मैं देखूँ तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रहा था। लास्ट मुकाबले में इनको चेस करने थे 120 रन इमर्ट के ही खिलाफ, मतलब इनको हाँ, तो जो टीम एमरलेट थी वो पिछला मुकाबला अपना 73 रनों से हारी, 47 रन पे वो ऑल आउट हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मलावी का साबू 4 रन बनाए, वैष्णा एमपी ने 3 रन, मीनू मनी ने 4 रन, नेथ्या लूर्द ने 7, दिव्या गणेश ने 14, मनसबी पोटी ने डक, अशोरा राय भी डक, और यहाँ पे जिप्सा जोसेफ भी डक पे आउट हुई, और यहाँ पे बीबी सेबास्टियन 5 रन ओनली बनाए। तो इनकी ओर से अगर मैं देखूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं वो इनकी ओर से मलावी का साबू हैं, वैष्णा एमपी रहेंगी, मीनू मनी रहेंगी, इसके अलावा दिव्या गणेश इनकी ओर से मेन बल्लेबाज हो सकते हैं, बाकी नित्या लॉर्ड को आप ट्राई करना चाहें अपनी टीम में कर सकते हैं।
बॉलिंग की मैं बात करूं तो इनकी ओर से जिप्सा जोसेफ ने 4 ओवर की बॉलिंग की, 4 में 32 रन दिए। नित्या लोर्ड ने 4 ओवर की बॉलिंग की, 4 में 21 रन देकर 1 विकेट निकाला। नीना मैथ्यू ने 2 विकेट निकाले, मीनू मनी ने 1 विकेट निकाला, और यहाँ पे बीबी सेबेस्टीन ने भी 4 ओवर की बॉलिंग की पर इनको विकेट हासिल नहीं हुआ। तो इनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा जो भी इनके मेन बॉलर्स हैं उन सभी ने 4 4 ओवर का स्पेल करवाया है। तो आप चाहें बॉलिंग ऑप्शन इनकी ओर से भी कर सकते हैं, जबकि जो इनकी टीम अपोनेंट टीम है एम्बर, उनके पास काफ़ी बॉलिंग ऑप्शन है, तो वहाँ पर आपका ज़्यादा थोड़ा बहुत आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोनों टीम्स के टॉपिक्स की, तो देख सकते हैं पहला नाम आता है जेएस दीप्ति का, जो कि लीडिंग रन गेटर है अपनी टीम एम्बर की, जो एक विकेट कीपर बैट्समैन है जिन्होंने 77 रन 2 मैचेस में बनाए हैं। गिरीश दिया की मैं बात करूँ, एक कमाल की ऑलराउंडर हैं, साथ में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर सकती हैं और लीडिंग विकेट टेकर भी हैं अपनी टीम की ओर से। जॉर्ज जिंसी की मैं बात करूँ तो ये टॉप क्लास बैट्समैन है, साथ में ये बॉलिंग भी करा रही हैं, तो भी ये भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं और आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकती हैं। उसके अलावा मीनू मंदी की मैं बात करूं, जो इनकी इनिंग थी वो लास्ट में थोड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको ये बड़ा नहीं कर पाए, और अगर जो टीम एमरलेड है वो चाहती है मैं आगे कोई भी मुकाबला जीतूं, तो उसके लिए ये मीनू मंदी को इनकी टीम से अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बैट्समैन है उनकी। और उसके अलावा नैना मैथ्यू की मैं बात करूँ तो ये भी बहुत ही अच्छी प्लेयर है, जिन्होंने बॉल भी लास्ट मैच में की थी, इन्होंने 4 ओवर में 2 विकेट लिए और सिर्फ 13 रन दिए, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगी। अब मैं बात करता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाए, तो कैप्टन आप लोग यहाँ पे जेएस दीप्ति, गिरीश दिया, अनीरा मैथ्यू को बना सकते हैं, वाइस कैप्टन जॉर्ज जिंसी, मीनू मनी, मलाविका शाबू को रख सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस ये रहेगी आपको अपनी टीम में 4 ऑलराउंडर्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो बैटिंग से फ्लॉप होते तो आपको बॉलिंग करके देंगे, बॉलिंग से फ्लॉप होते तो आपको बैटिंग से पॉइंट दिलवा सकते हैं। बाकी विनर्स की मैं बात करूं तो टीम एमरलेड आज का मुकाबला जीत सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अभी तक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेशन वाली लगी होगी, तो इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटा जरूर ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और आपके लिए बिल्कुल फ्री भी, तो ज़रूर ये काम कर लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, 3,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं और फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। इसका जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, जो सबसे नंबर फर्स्ट पे कमेंट होगा वो चैनल का लिंक है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे सीधा हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, और अगर लिंक वर्क ना करे तो कमेंट में ही आपको चैनल का नेम भी मिल जाएगा, जिसको आप लोग सर्च करके हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं चलता हूँ ड्रीम इलेवन की ओर, आपको एक कमाल की टीम क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ विकेट कीपर की, तो आपको एम्बर की ओर से जय दीप्ति ही एक अच्छी पिक रहेंगी, क्योंकि ये आपको टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करके देखने को मिलेंगी, साथ में पिछले मैच में भी 20 से ज़्यादा रन इन्होंने अपने नाम किए थे, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देख सकते हैं 43 पॉइंट पिछले मैच में किए थे, 23 रन बनाए थे इन्होंने, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, हम लोग इनको ज़रूर अपनी टीम में ट्राई करेंगे। बाकी आप यहाँ पर विश्ना को लेना चाहें तो ले सकते हैं, जेल की एक अच्छी पिक रहेंगी, पॉइंट्स का भी अंतर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दीप्ति के कितने पॉइंट्स और उनके कितने पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर जो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगी जीएल में भी और हेड टू हेड और स्मॉल लीग में भी वहाँ पर जय दीप्ति रहेंगी, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इनको अपनी टीम में पिक करेंगे। बैटिंग सेक्शन में देखिए यहाँ पर अतीरा की पिक है, पर इनका जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी बेकार रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इनको पिक नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर जी दिव्या को पिक करूँगा, मलाविका को पिक करूँगा। उसके अलावा नीचे देखा जाए तो कोई इंपॉर्टेंट पिक है नहीं, ऊपर मैं बात करूं तो यहाँ पर एम अलीना की पिक है, ये थोड़ी बहुत एक अच्छी प्लेयर मुझे लग रहा है जेल के लिए हो सकती हैं, बाकी यहाँ पर एसेंसो की पिक है, तो इसलिए अतीरा को ज़्यादा लोगों ने ट्राई किया है, क्योंकि नीचे कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर है ही नहीं, तो इसलिए हम लोगों को भी यहाँ पर अतीरा को ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो भी प्लेयर्स हैं वो सभी प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहेंगे और आपके अपोनेंट के पास 100% अतीरा ही होंगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर रिस्क नहीं लेंगे, अतीरा को अपनी टीम में ट्राई करेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूँ तो आपके लिए जे जिनसी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी, एम मीनू आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, उसके अलावा सलीना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे मैं बात करूं तो यहाँ पे जिप्सा की पिक है, मांशावी की पिक है, तो यहाँ पर मैं एक ऐसे प्लेयर को पिक कर रहा हूँ जिसका परसेंटेज सिलेक्शन आप देखिए 15% है, हालांकि पिछले मैच में 4 ओवर का कंप्लीट स्पेल करवाया था, विकेट नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ पर मैं इनको ट्राई करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंशियल पिक का भी काम करेंगे हमारे लिए, और प्लेयर अच्छी हैं, 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल है इनके नाम, तो अगर आज भी अगर 4 ओवर कराती हैं तो ज़रूरी नहीं कि पिछले मैच में विकेट लेस रही, तो इस मैच में 2 से 3 विकेट भी निकाल सकती हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं इनके साथ जा रहा हूँ, बाकी आप जाना चाहें तो किसी और के साथ भी जा सकते हैं। बॉलिंग में यहाँ पर मैं नित्या को पिक करूंगा, अनीना को पिक करूंगा, उसके अलावा यहाँ पर देखिए 2 पिक है, एक तो जोशीता की पिक है और यहाँ पर दिव्या की पिक है, तो यहाँ पर देखिए मैं दिव्या को अपनी टीम में पिक करूंगा, जोशीता को यहाँ पर मैं ड्रॉप करने वाला हूँ, ये मेरा रिस्क है, आप अगर इनको लेना चाहते हैं तो आपको ऑलराउंडर सेक्शन में आना है और नीचे से यहाँ पे जिप्सा जोसेफ को ड्रॉप करके इनको अपनी टीम में रख लेना है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर मैं इनको लेने वाला नहीं हूँ, बाकी टॉस के बाद अगर मुझे पता चलेगा कि जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी, अगर यहाँ पर एम्बर की टीम बॉलिंग करेगी तो हो सकता है कि यहाँ पर मैं जोशीता को अपनी टीम में प्रेफर कर लूँ, और अगर यहाँ पर पहले बॉलिंग करेगी
इमल्ड की टीम, तो यहाँ पर मैं जिप्सा को प्रेफर करूंगा। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। तो एक बार मैं आपको अपनी इस टीम का प्रीव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बात करूंगा कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाए। विकेट कीपिंग में मैंने दीप्ति को लिया है, बैटिंग सेक्शन में मैंने अतीरा को लिया है, दिव्या को लिया और यहाँ पे मलाविका को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने जिंसी, अलीना, मीनू और यहाँ पे जिप्सा जोसेफ को ट्राई किया, जो थोड़ी सी डिफरेंशियल पिक रहेंगी हमारे लिए। बाकी जी दिया को मैंने ट्राई किया, बॉलिंग में नित्या को लिया और यहाँ पर अनिना को लिया है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जीएल में आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाए, जीएल में आप लोग कैप्टन यहाँ पर दे सकते हैं नीना को और वाइस कैप्टनसी यहाँ पर दे सकते हैं जिप्सा को। तो जीएल में आप लोग इस पेयर पे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं सेम टीम के साथ, मैं जीएल वालों के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जो सेफ हेड टू हेड टीम बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूँ, कैप्टन यहाँ पर मीनू रहेंगी, वाइस कैप्टन यहाँ पर जिंसी रहेंगी। इनके साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है। अगर यहाँ पर टीम इमल्ड पहले बॉलिंग कराती है तो आप लोग इनको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ये भी एक अच्छी पीक है और मैं इनको जीएल में कैप्टनसी भी देना चाहता हूँ। तो आप चाहें इनको भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जिंसी है वो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दिला सकती है, तो इसीलिए मैंने इनको सिर्फ वाइस कैप्टन यहाँ पर प्रेफर किया है। तो ये मेरे कैप्टन रहेंगे, ये मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे। तो मैं अपनी इस टीम को सेव कर देता हूँ, आप लोग हमारी इस टीम का प्रीव्यू देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ पर भी आप लोग प्ले कर रहे हो वहाँ पर जाकर आप लोग हमारी इस टीम को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटा जरूर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी को आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बाकी आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर खेल रहे हो, किसी भी ऐप पर खेल रहे हो और आप चाहते हैं उसकी फाइनल टीम आपको मिले, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक में आपको कमेंट मिल जाएगा 3000 से, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, 3000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और फ्री टीम्स का प्रॉफिट उठा रहे हैं। तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कमेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।